पश्चिम बंगाल में बारिश शुरू होते ही डेंगू का संक्रमण विकराल रूप लेता जा रहा है। एक दिन पहले मंगलवार को पता चला था कि डेंगू से गत शुक्रवार को एक बच्ची की मौत हुई थी, जो इस सीजन राज्य में पहली मौत थी, लेकिन बुधवार को पता चला है कि वह पहली नहीं बल्कि छठी मौत थी। राज्य में अब तक डेंगू से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हैरानी यह है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू संक्रमण के मामले में चुप्पी साध रखी है और मौतों के बारे में मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी जा रही। बीते 22 जुलाई सैटरडे को एक 10 साल की बच्ची की मौत के बाद उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र पर डेंगू का उल्लेख होने के बाद जब मीडिया में खबर आई, तब राज्य के स्वास्थ्य निदेशक सिद्धार्थ नियोगी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट पूरे हालात पर नजर रख रही है, लोगों को और अधिक जागरूक होने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया कि डेंगू से होने वाली मौत के आंकड़े क्यों नहीं जारी किए जा रहे। राज्य स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि शनिवार को बच्ची की मौत से पहले शुक्रवार 21 जुलाई को डेंगू से 3 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी थी। उसके 2 दिन पहले फूलबागान के बीसी रॉय शिशु अस्पताल में एक नवजात बच्ची की मौत डेंगू की वजह से हुई थी, जबकि 1.5 हफ्ते पहले भी 12 साल की एक किशोरी की मौत आजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डेंगू की वजह से हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की बताया कि फिलहाल पूरे राज्य में करीब 2500 मरीजों में डेंगू संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिन लोगों की डेंगू से अब तक मौत हो चुकी है उनमें पिकनिक गार्डन की रहने वाली 10 साल की बच्ची पल्लवी दे, नदिया के राणाघाट की रहने वाली 45 साल की उमा सरकार और ताहिरपुर के 66 साल के हरपद मिस्त्री शामिल है। इसी तरह से दमदम के बांगोर एवेन्यू की 30 साल की रिंकी राय और 12 साल की किशोरी 13 साल की सायनिका हलदार की मौत डेंगू की वजह से हुई है। पश्चिम बंगाल में बारिश शुरू होते ही डेंगू का संक्रमण विकराल रूप लेता जा रहा है। एक दिन पहले मंगलवार को पता चला था कि डेंगू से गत शुक्रवार को एक बच्ची की मौत हुई थी, जो इस सीजन राज्य में पहली मौत थी, लेकिन बुधवार को पता चला है कि वह पहली नहीं बल्कि छठी मौत थी। राज्य में अब तक डेंगू से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हैरानी यह है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू संक्रमण के मामले में चुप्पी साध रखी है और मौतों के बारे में मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी जा रही। बीते 22 जुलाई सैटरडे को एक 10 साल की बच्ची की मौत के बाद उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र पर डेंगू का उल्लेख होने के बाद जब मीडिया में खबर आई, तब राज्य के स्वास्थ्य निदेशक सिद्धार्थ नियोगी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट पूरे हालात पर नजर रख रही है, लोगों को और अधिक जागरूक होने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया कि डेंगू से होने वाली मौत के आंकड़े क्यों नहीं जारी किए जा रहे। राज्य स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि शनिवार को बच्ची की मौत से पहले शुक्रवार 21 जुलाई को डेंगू से 3 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी थी। उसके 2 दिन पहले फूलबागान के बीसी रॉय शिशु अस्पताल में एक नवजात बच्ची की मौत डेंगू की वजह से हुई थी, जबकि 1.5 हफ्ते पहले भी 12 साल की एक किशोरी की मौत आजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डेंगू की वजह से हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की बताया कि फिलहाल पूरे राज्य में करीब 2500 मरीजों में डेंगू संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिन लोगों की डेंगू से अब तक मौत हो चुकी है उनमें पिकनिक गार्डन की रहने वाली 10 साल की बच्ची पल्लवी दे, नदिया के राणाघाट की रहने वाली 45 साल की उमा सरकार और ताहिरपुर के 66 साल के हरपद मिस्त्री शामिल है। इसी तरह से दमदम के बांगोर एवेन्यू की 30 साल की रिंकी राय और 12 साल की किशोरी 13 साल की सायनिका हलदार की मौत डेंगू की वजह से हुई है।